एक दशक बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की वादियों में चुनावी रंग दिखने लगे हैं। इसी सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे बीजेपी, कांग्रेस से लेकर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों ने कमर कस ली है। इन पार्टियों की कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में अपनी सियासी जमीन की मजबूती का अंदाजा तो लग ही चुका होगा। तो अब 10 साल बाद यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो कौन सी पार्टी कितनी तैयार है, जम्मू कश्मीर की सियासत कितनी बदल चुकी है, कौन है यहाँ प्रमुख खिलाड़ी, केंद्र की सत्ता संभाल रही बीजेपी के लिए क्या एडवांटेज होने वाला है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर दिखने को मिल सकता है, महबूबा मुफ्ती क्या रोल निभाने जा रही हैं और उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद क्या खुद को साबित कर पाएंगे। घाटी से हमारे साथी मौज़म मोहम्मद की इस रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इनमें 43 सीटें जम्मू क्षेत्र की हैं और 47 सीटें कश्मीर इलाके की। तीन चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, पीडीपी, कांग्रेस, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आवामी इत्तेहाद पार्टी चुनावी मैदान में हैं। चलेंगे हाल फिलहाल के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर, लेकिन एक नज़र देख लेते हैं कि पिछले दो विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर कैसी थी। सबसे पहले बात 10 साल पहले और अंतिम विधानसभा चुनाव की, यानी 2014। ये ध्यान रखिएगा कि तब लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था और वहां की 4 सीटें भी इन नतीजों में शामिल थीं। तो 2014 में 87 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 15 सीटें फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 28 महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को और 12 सीटें कांग्रेस को, 25 सीटें बीजेपी को और 7 सीटें अन्य के खाते में गई। अब बात 2008 में हुए चुनाव की, तब भी 87 सीटों पर ही चुनाव हुए और 28 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी थी। पीडीपी को 21 सीटें, 17 सीटें कांग्रेस को, 11 सीटें बीजेपी को और 10 सीटें अन्य के खाते में गईं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। गठबंधन में उसकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर अपनी मेहनत आजमाएगी। इंडिया गठबंधन के सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM और जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी को 1-1 सीटें मिली हैं। इसके अलावा 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच फ्रेंडली फाइट है, यानी इन 5 सीटों पर दोनों ही पार्टियां आपसी सहमति से अपने अपने कैंडिडेट उतार रही हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है, ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। कि बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। आम चुनाव के नतीजों को विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से देखने पर पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 34 सीटों पर आगे रही। जम्मू की 2 सीटों पर पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारे थे। इन सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी के हाथों हार गई थी। लेकिन बीजेपी के माथे की शिकन इस बात से बढ़ सकती है कि जम्मू में उसका वोट शेयर कम हुआ है। 2019 के चुनाव में जो वोट शेयर करीब 47% था, वो 2024 में आते आते आधा यानी करीब 24% रह गया। बीजेपी जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीटों के 37 विधानसभा क्षेत्रों में से 29 पर आगे रही। बीजेपी को इस हिंदू बहुल क्षेत्र में मजबूत समर्थन हासिल है। यहां पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें जीती थीं और पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार का हिस्सा थी। लोकसभा चुनाव में केवल 5 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिलने के बाद से पिछले कुछ समय से पीडीपी खस्ता हाल है। खुर्शीद आलम और बशारत बुखारी जैसे नेताओं की वापसी से पार्टी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अभी भी इसकी जीत की संभावना पर बड़ा सवालिया निशान है। शायद इसीलिए पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें ज्यादा सीटें न मिली तो वे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार का समर्थन करेंगे। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रायोरिटी है, रास्ते खोलना बाकी, हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे फिर चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है,
वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे चार दो, आप तीन दो, ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। 10 साल के इंतजार के बाद वादी में चुनाव की बयार उठी है और उठते संग ही घाटी में पारा चढ़ने लगा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी डिटेल और एनालिटिकल रिपोर्ट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, किसका पलड़ा भारी मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए। इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।